गुड मॉर्निंग क्या हाल चाल सभी के, आशा करता हूँ भाई बहुत ज्यादा बढ़िया होंगे। वेलकम टू द हेलो वर्ल्ड गाइस, बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। और मशीन में सीधे ठोकर बढ़ती हुई, सीधे देखते हैं मौसम विभाग और क्या है भाई। आज माहौल में एकदम धूप है, बेहतरीन धूप, और यहाँ पे भी सफाई करवानी पड़ेगी क्योंकि ऊपर से वो जो गमले टूटे हैं ना, जो आपने देखे होंगे, वो नीचे आ चुके हैं, तो सफाई होगी बिल्कुल होगी। बाकी भाई ब्रेकफास्ट हो गया एकदम प्रॉपर, और गणपति विसर्जन का महोत्सव बड़े जोर शोर से चल रहा है भाई। तो अभी हमारे जो बगल में भैया है वो भी ले जाने वाले, तो देखेंगे अभी बढ़िया करके माहौल जितना कैप्चर हो सकेगा अपने घर से ही करूंगा, क्योंकि मैं वहां जा तो सकता नहीं, वो मेरे को बुलाते ही नहीं, तो इसलिए भाई तो यहीं से कैप्चर करेंगे। बाकी भाई वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब अभी ठोक दीजिए भाई अभी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी एंड फॉर यू ऑल एंड लव यू ऑल। भाई मेरे को बड़ी देर में याद आया भाई, भैया और को तो पता ही नहीं चला कि भैया और ले जा रहे हैं कि नहीं ले जा रहे हैं। आज अपने को अपनी बाइक भी चमकानी थी यार, करते हैं फटाफट से इसको वॉश करते हैं, इसको पॉलिश कर देंगे, हर निकालता हूँ पीछे ले जाता हूँ, पीछे ही धोनी पड़ती है ना, यहाँ धो ही नहीं। भैया और का आज पता ही नहीं, सुबह से ढोल तो बज रहे थे पर भाई शाम हो गई अभी तक ले ही नहीं गए। अपन ने लगा दिया भाई अपनी गाड़ी को अपने वॉशिंग एरिया में, और इसकी अभी कंडीशन देख सकते हैं आप, वैसे भी ठीक ठाक चमक रही है भाई, इतनी गंदी नहीं है, पर इसको अब हम ऐसा चमका देंगे कि ये भी अपने आप को पहचान नहीं पाएगी कि ये कैसी दिख रही थी, पहले दिख रही थी या फिर दिख रहा था। फर्स्ट कोटिंग डन हो गई है, इसमें शैम्पू की परत चढ़ चुकी है एकदम चमकदार, इससे मिट्टी निकल चुकी होगी, और हमने इसमें बड़ा गजब का शैम्पू यूज़ करा। नाम लूंगा तो कहीं वो कंपनी वाले मेरे पे केस ना कर दे। बस थोड़ी हिंट दे देता हूँ, आजकल बड़े एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं उसके मेरी गाड़ी एकदम, उससे लोग देख के बोलेंगे वाओ व्हाट एन अमेजिंग बाइक, तो समझ लीजिए बस इतनी हिंट काफी थी वैसे। बाकी ये हो गई है, अब इसमें होगी पानी से वॉश, फिर से गाड़ी वॉश करें, और माता जी के लिए आप काम ना बढ़ाएं तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, पूरे कपड़े भिगा दिए बेहतरीन। पर भाई गाड़ी वॉश हो गई है एकदम बेहतरीन तरीके से, और हमने बहुत कम पानी यूज करा है आज, ये मैं बोलना चाहूंगा, ज्यादा पानी यूज करा नहीं है, बाकी थोड़ा फन हो जाए तो मजा आ जाए ना। भाई फन ना हो तो क्या ही बात हो, लेंस के ऊपर पानी दिख रहा है मेरे को यहाँ से, ज्यादा फन नहीं करना हमें, इतना काफी है फन। सही टाइम में गाड़ी धो ली, गीदड़ की शादी होने लग गई भाई, आज बाइक धोते साथ ही गीदड़ की शादी हो गई भाई। देखो धूप भी निकल रही है और बारिश भी आ रही है, इस बाइक को फटाफट से उधर लगाता हूँ। तो हमने वहां से भाई बाइक लगा दी हमारे एयर प्रेशर रूम में, ये हमारा एयर प्रेशर रूम है क्योंकि यहाँ पे चल रहा है पंखा। ये भाई छोटा पैकेट बड़ा धमाका है, ये 5 नंबर में मेरे हाथ के बड़ा करीब है, पर ऐसा कुछ नहीं करना है, 5 नंबर में जब चलता है ना तो हेलीकॉप्टर की आवाज निकालते। बाइक को हमने कपड़े से साफ कर दिया और हवा के नीचे रख दिया, जिससे कि हमारे यहाँ भाई यहाँ प्रेशर तो है नहीं, वो जो हवा से एकदम से पानी निकल जाता है, पर हमने सुखा दिया भाई। अपने हाथ से आप सफाई करोगे ना, एक नंबर सफाई होती है। अब देखो इसमें जब पॉलिश लग जाएगी ना, मैकेनिक भैया भी फेल हो जाएंगे इसके आगे, पर भाई देखो उनका काम तो है ही इस चीज का, पर ये अपना कभी कभी खुद के काम भी करना ही चाहिए ना। पॉलिश हमारे पास वही नारियल के डिब्बे में रखी हुई एकदम बेहतरीन पॉलिश, इसका नाम मेरे को नहीं पता पर ये बहुत जबरदस्त है, इसके बाद चेहरे में भी लगाएंगे ना, चेहरे में नहीं लगानी, चमक जाएगी बाइक। गाइस फिलहाल हमारी गाड़ी पूरी चमक चुकी है, जैसे कि आप लोग देख ही रहोगे पॉलिश हो गई है, बहुत तेज बोलना पड़ रहा है क्योंकि अब भैया और ले जा रहे हैं भाई, पूरा ढोल बजने शुरू हो गए, अभी देखना अभी फुल पावर बजने वाले हैं, वहां पर मजा आने वाला है, देखूंगा भाई जाते जाते हम भी बप्पा के दर्शन कर लें तो भाई कितना बढ़िया होगा। इस व्हाइट गाड़ी में बैठे हैं पापा, ये निकले, क्या बात है क्या बात है।
अगले बैरस फिर आएंगे भाई, काफी अच्छा लगता है देख के। सब देखो घर से बाहर आ गए सारे के सारे भैया, और वैसे भी हर साल लाते हैं, बहुत बढ़िया लगता है देख के भाई, मजा आ जाता है, पर इमोशनल हो जाते हैं इस समय जिस समय जा रहे होते हैं ना गाइस। तो फिलहाल भाई मैं ऊपर से नीचे आ गया था और इवनिंग स्नैक्स भी हो गया हमारा। हमारा इवनिंग स्नैक्स हुआ हमारी दादी के साथ। दादी नमस्कार। आप बोलते हो गए क्या आदमी है भाई। दादी पापा फोन चला रहे हैं, बोल दो भाई। हाँ अब बोलो। हाँ रखा ना भाई, यही है यहाँ सिस्टम ऐसी है, एक दूसरे की टांग पकड़ने के लिए। पापा मम्मी को बोलते हैं कि ये फोन चला रहा तो इसका फोन बंद करवाओ। अब भाई दादी आ गई है, मेन कमांडेंट हमारे घर की दादी है। अब पापा का फोन बंद करा दिया। क्यों दादी? और दादी क्या हो रहा, घूम के आ गए? दादी कुछ गढ़वाली में कुछ बोल दो बढ़िया सा। मेरी दादी कुछ शहर में रही, हमारी दादी तो मॉडर्न थी। क्या मतलब हुआ दादी इसका? सब जगह एक सा ही चल रहा है। अच्छा सब जगह एक सा ही चल रहा है, चाहे दादी के घर में हो चाहे यहाँ। पर दादी के सबसे बड़े लड़के यहाँ बैठे हैं दादी, क्यों? दादी के पास। बाकी भाई जिम का टाइम हो गया, दादी के साथ बैठे हुए थे थोड़ी देर, फिर मैंने बोला एकदम से भागूंगा, दादी बोलेगी भाग गया। वो तो बोलना ही था। क्यों दादी? बस अब तैयार होके निकलते हैं गाइस, निकलते हैं अपनी नई बाइक में। जिम पहुंच चुके हैं। गाइस फिलहाल जिम हो गया पूरा, देख लो भाई कितनी मेहनती का काम है। चल ठीक है जिम में मेरे भाई मिलते हैं। ओके ब्रो। ओके पिनो की पिंकड़ू गाइस, हमारा भाई है, हमारा भाई है भाई, बोल के झंड कर देता है। अबे तू देसी भी तो भाइयों की होती है। अबे पिलो की पिंकड़ू, पिलो की पिंकड़ू है इसका नाम। बहुत तगड़ा मीटअप करना है, मीटअप करवा देंगे ठीक है। घंटा घर पे झंडे लेके पहुंच जाएंगे भट लायन के इंस्टाग्राम में फॉलो करें भाई। वाले बोले कौन सी पार्टी के हैं, हमारा नेता सार्थक भट्ट है ठीक है मेरे भाई। बाय। घर आ गए और भाई फ्रेश होके एकदम बैठ गए हैं, प्रॉपर फ्रेश होके। वर्कआउट मार के जो मजा आता है ना, वो सिर्फ वर्कआउट मारने वालों को पता रहता है। बाकी भाई डिनर में है आज, ब्रेकफास्ट मैंने दिखाया नहीं था, ब्रेकफास्ट में बना था आज हमारे यहाँ पाव भाजी एंड भिंडी, नाइस। और इसके साथ है प्रसाद, जरूर खाएंगे फटाफट। प्रसाद से करते हैं शुरुआत और निपटाते हैं। आपने क्या खाया डिनर कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताओ। वो गाइस क्या ही दिन था, जैसे कि आप लोगों ने देखा ही भाई, आज अपन लोगों ने अपनी बाइक को पूरा चमका दिया भाई। अपने पापा से इंस्पायर होकर हमने अपनी बाइक पूरी चमका दी। बाकी भाई आज आप लोगों ने देखा ही होगा, पप्पा को जाते हुए भी देख लिया हमने। आशीर्वाद हमारे साथ हमेशा है ही भाई, भैया हर साल लाते हैं और काफी अच्छा लगता है देख के जाते वक्त, थोड़ी इमोशनल मूवमेंट तो होती है। पर अगले वर्ष फिर आना है भाई। बाकी जाने से पहले बहुत ही ज्यादा बेहतरीन शब्द बोल देता हूँ कि भाई अपनी इंस्टाग्राम की मैंने बायो में लिखा हुआ है, वो फॉलो कर लीजिएगा, वहां पे भी लिखा हुआ है। पर मैं फिर से बोल देता हूँ, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता और काम से बड़ा कोई कर्म नहीं होता भाई। कोई भी काम कर रहे हो ये मत सोचो कि ये क्या बोलेंगे वो क्या बोलेंगे, कर डालो पर किसी का बुरा मत करना। कल मिलते हैं, टिल देन सार्थक बड़ा को कहता है टाटा बाय बाय, लव यू। रीच जिम भाई, रीच जिम पहुंच चुके हैं।